हम लोग पढ़ रहे थे जलों का उच्चारण। नोट्स हमने आपको पढ़ाया था, थोड़ा सा बुक से भी एक बार निशान लगवाना था। तो देखिए आपके सामने जो है पहला जो तीसरा श्लोक है वहाँ देखिए परम सुकुमार, एक जो रक्त मोक्ष के परम सुकुमार जो तरीका है। जलों का द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था श्रृंग जलों का अलाबू क्रमशवाद पित्त और कफ के लिए प्रयोग करते हैं। तो जो श्रृंग होता है वो स्निग्ध होने से वात का शमन करेगा, जलों का शीत होने से पित्त का, और जो अलाबू है वो रूक्ष होने से कफ का शमन करेगा। रूक्ष भी होता है कटु भी होता है। तो यहाँ पे सामान्य विषय सिद्धांत लग रहा है जो हम लोग पढ़ के आए हैं। फिर उसके बाद है, हमने आपको चार्ट में पूरा बताया था कि श्रृंग जो होता है कितने अंगुल लंबा होता है, फिर उसकी परिधि भी हमने बताया था, और ये भी बताया था उससे कौन सा दाना निकल जाना चाहिए उसके छेद से। मूंग का सरसप छिद्र बताया था शायद। क्या बताया था? मूंग बताया था, सरसप बताया था, सरसप है ना। तो एस यू एम याद रखिएगा, सम ये बताया था आपका गोश्रिंग के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद जलौका के लिए था, रस में मधुर होता है ये ध्यान रखिएगा, है ना। और फिर अलाबू के लिए 12 अंगुल लंबा। फिर इसके बाद आया आगे देखिएगा, एक लाइन सूत्र के ऊपर लिखी हुई है, सीता दिवासा मधुरा वारी संभवा, ठीक है। ये जलौका के लिए सूत्र ने बताया है जिसको याद रखिएगा, सीता दिवासा मधुरा वारी संभवा, ये किसके लिए है? जलौका के लिए है। फिर इसका एक अगर हम सामान्य अगर देखें शुद्ध नाम तो जलायु का है ना, जल ही जिसकी आयु है, जल ही जिसका जीवन है, तो जलायु का ये श्लोक नंबर 9 में आया। ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर 12 प्रकार की जलौकाएं, 6 सविष और 6 निर्विष, ये भी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, है ना। फिर इसके बाद कृष्णा गर्भुरा अलगर्धा इंद्र आयुधा सामुद्रिका और गोचंदना, ये जो है सविष हैं, ठीक है। उसी नोट से पढ़िएगा, वहां से बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। इंद्रायुधा अष्टम क्या है ये? इंद्रायुधा से काटा हुआ असाध्य होता है, ठीक है। और इसमें बता दे रहे हैं नोट से पढ़ाएंगे, यहाँ से कंफ्यूजन होगा बिना मतलब के। जो सविष वाली है ये, सॉरी जो निर्विष वाली है, इसका श्लोक से पूछा जाता है, इसमें आपको यकृत वर्णा कौन सी है? यकृत वर्णा अंकमुखी। शीघ्र पाई कौन है? पिंगला। यकृत वर्णा और शीघ्र पाईनी जो है आपका यही है, कौन सी? अंकमुखी, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और अनिष्ट गंध वाली मूषिका है, मूषिका। और कौन सी जो है पशुओं में प्रयोग होती है? सांवरिका का, सांवरिका। उसमें कुछ लंबाई वगैरह ही बताई थी ना, 18 अंगुल, 18, ठीक है। ये कुछ बातें थी जो आपको याद होने। मनाशिला के समान कौन सी है? कपिला। जलौका कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी पता नहीं, क्या क्या फार्मूले में, जो उस दिन फार्मूले बताया था वही याद करिएगा, ठीक है। फार्मूले समय के साथ बदलते रहते हैं, जो दिमाग में आ गया वो उस समय बता दिया। और देखिए, इन जलौकाओं को गीले चमड़े से पकड़े अथवा सद्योहद प्राणी की मांसपेशी पर मक्खन घी और दुग्ध लगाकर इनके मुख की तरफ रखने से वे इसे खाने के लोभ से इस पर आ जाती हैं। फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी जलौका आप पकड़ें तो हाथ कैसे होने चाहिए? गीले होने चाहिए, गीले हाथों उसको पकड़ना चाहिए, ठीक है।
और जलौका का संग्रह कब करेंगे? शरद ऋतु। ठीक है ना, याद रखिएगा जोंक और छार के लिए प्लांट जो भी हम लोग पीछे पड़े थे, छार के लिए जो प्लांट हम लोग कलेक्ट कर रहे थे वो भी शरद ऋतु में कर रहे थे, और जोंक का भी जो संग्रह कर रहे हैं वो आपका शरद ऋतु में ही कर रहे हैं। अग्निकर्म किन दो ऋतुओं में निषेध था? शरद और ग्रीष्म। और जलौका का आहार क्या होता है? वल्लूर होता है, शैवाल होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। कितने कितने दिन पे पानी बदलना है? तीन दिन पे। तीन दिन। बड़ा कितने दिन बदलना है? सात दिन। सात दिन पे बदल देना है। ठीक है, और एक जलौका को फिर कितने दिन बाद प्रयोग करेंगे हम लोग दोबारा? सात दिन, एक हफ्ते बाद। ग्लानिहरण के लिए क्या देंगे जलौकों में? नहीं, वो तो डिटैच करने के लिए, हटाने के लिए। ग्लानिहरण के लिए सरसों प्रजनीकरण, हरिद्रा और हरिद्रा, सरसप और हरिद्रा, या सरसप और रजनीकल के लिखा हुआ नीचे वाली लाइन विगत लमा। ठीक है, ये सरसों और हल्दी की कल्प का उपयोग करेंगे, है ना, और वहां पे लगाने के हल्का सा दूध लगाएंगे या रक्त लगाएंगे, याद करेंगे हमको आपको हमने आर डी बताया था, आर फॉर रक्त, डी फॉर दूध, ऐसा बताया थे लास्ट लेक्चर में। रिवाइज करिएगा, रिवाइज नहीं किए इसलिए। और कैसे पता लगाएंगे कि रक्त का आचरण कर रहा है जलों का? अश्व खुर वदनानन बताए थे, घोड़े का खुर होता है उस तरीके से उठा हुआ कुछ उसका, है ना, और उसको हटाने के लिए सैंधव और चूर्ण करते हैं। ठीक है, जो के दंश स्थान पर सुई चुभने से पीड़ा और खुजली होने पर जानना चाहिए कि यह शुद्ध खून पी रही है, इस प्रकार शुद्ध खून ग्रहण करते हुए इसको हटा देना चाहिए। यदि रक्त की गंध से वह उस स्थान को न छोड़े तो उसके मुख पर क्या लगाना चाहिए? सैंधव लवण। ठीक है, यदि जोंक जलपात में छोड़ने पर नीचे बैठ जाए तो चलने की चेष्टा ना करे तो उसे क्या कहते हैं? दुर्वांता। दुर्वांता क्या हुआ? वही जो बहुत थक के अगर बैठ जा रहे नीचे, है ना, बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, तो ऐसे जोंक को क्या कहेंगे? दुर्वांता। और इसी जोंक से क्या हो जाता है? अगर इंद्रमद हो गया तो इंद्रमद जो है व्याधि जोंक में होती है, और ये व्याधि असाध्य होती है, याद रखिए। इंद्रायुधा जोंक का नाम है, और इंद्रमद क्या है? व्याधि का नाम है जो जोंक को होती है। अब ये सब आप पढ़ चुके हैं। सम्यक योग होने पे शब्द और घृत का अभ्यंग बीच उदाहरण ये बताया था आपको। तीन योग होने पे देखिए यहाँ लिखा हुआ हल्का सा मधुना अवघट पे लिखा है ना, और अगर अतिरक्त स्राव हो जा रहा है तो वहां पे चीता भी शीतल, वहां पे चिकित्सा परिषेचन वगैरह करेंगे। ठीक है, और मिथ्या योग अगर हो गया है तो ये नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पे चार चीजें बताई गई हैं। अगर जलौका का सम्यक योग है तो शब्द घृत वाला, अगर जलौका का हीन योग है तो वहां पे मधु, अगर बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो रहा है जलौका से वहां पे शीतल चिकित्सा करेंगे, और मिथ्या योग में कछाय मधु शीत प्रदेह। और वाग्भट ने इंद्रमद को क्या कहा है? रक्तमत्ता। नहीं रिवाइज क्यों? फ्राइडे के बाद शायद हम आज पढ़ रहे हैं, तीन दिन का गैप हो गया। ये हमने अलग से लिख लिया, सम्यक योग के बाद योग करते हैं, हीन योग होगा तो वहां पे मधु से घर्षण करेंगे, अतिरक्त स्राव में शीतल जल से परिषेचन करते हैं, और मिथ्या योग होने पे कषाय मधु स्निग्ध शीतल प्रदेह का प्रयोग करते हैं, है ना, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखते हो। तो इस तरीके से आपका जलौका वाला जो चैप्टर था समाप्त हुआ। याद रखिएगा जितने पॉइंट हमने आपको बताए सब इम्पोर्टेंट थे, पूछा जाता है।
खास करके श्रृंग जलौका लाबू कितनी कितनी दूरी तक मुरगता वो सेशन कर लेता है। मैंने आपको बताया था एक हस्त कहाँ पे था, कितने अंगूर था, वो सब आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। लंबाई कितनी थी और गुण कर्म कैसा था वो भी हम बता चुके हैं श्रृंग जलौका लाबू का लास्ट लेक्चर में भी और आगे, और सभी निर्भीर दोनों के लक्षण आपको पता होने चाहिए, कितने दिन पे पानी बदलते हैं, गाढ़ा बदलते हैं, ग्लानी होने पे क्या लगाते हैं, क्या देते हैं आपको खाते हैं, अर्थक और रजनी का हटाने के लिए संधा लवण का प्रयोग करते हैं, ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अगला इम्पोर्टेंट चैप्टर है शोणित वर्णनीय अध्याय। ऊपर पेन से लिखा हुआ है आहार से रस, और ये रस जो है 24 धमनियों से है ना, हृदय स्थान 24 धमनियों से। फिर इसके बाद हमने लिखा है रंजक, ये 24 धमनियां किसी को याद आ रही है, रचना शरीर की पढ़ा है नहीं याद आ रहा। चलिए अभी आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो लिखा हुआ है तत्र पंच भौतिकस्य चतुर्विधस्य षड्रसस्य द्विविध वीर्य अष्टविध वीर्यस्य। सिर्फ अगर इसमें की हम बात करें तो हमको ये पता है कि जो आहार होता है वो भी पंच भौतिक होता है और हमारा शरीर भी पंच भौतिक होता है। क्या श्लोक है ऐसा कुछ श्लोक पता है, पंचभूत आत्म के देह आहार पंचभौतिक, ऐसा कुछ पढ़ा है कभी? यस सर। यस सर। आहार होता है वो भी पंचभौतिक है और जो शरीर है वो भी पंचभौतिक है। पंचभूत आत्म के देह आहार पंचभौतिक, ठीक है। और जो हमारा चतुर्विध आहार है कौन कौन सा होता है चतुर्विध आहार? ये जो चार प्रकार के आहार होते हैं ये पंच भौतिक पंच महाभूतों से बने हुए होते हैं, यहीं पे ध्यान रखिएगा। सुश्रुत ने वीर्य दो प्रकार के बताए हैं, कौन सा? द्विविध वीर्य और अष्टविध वीर्य। अष्टविध वीर्य, तो द्विविध वीर्य में क्या आएगा? पूछना और अष्टविध वीर्य में हम बता रहे हैं याद कैसे करेंगे, चरक में याद कराते हैं हम जीएसवीएम और सुश्रुत में एसएसवीएम, सॉरी यहीं पे आप सही थे एसएसवीएम लिखा हुआ है ना, एस फॉर शीत, एस फॉर स्निग्ध, बी फॉर विशद, एम फॉर मृदु, एस एस बी एम चार इसके अपोजिट हो जाएंगे। शीत का उल्टा क्या हो जाएगा? उष्ण होगा यहाँ पे। यस सर। यस सर। एस एस बी एम यहाँ पे आपको चारों को रिपोर्ट करना पड़ेगा, शीत हो जाएगा, स्नीत हो जाएगा, स्नीत का उल्टा क्या हो जाएगा? विषद का उल्टा क्या होता है? उल्टा क्या हो जाएगा? अष्ट वीर है ये पीछे जाते हैं, तो आपको एस एस बी एम अगर पता है तो बाकी के चार शायद जो चरक ने बताया है उसमें जी एस बी एम हो जाता है। मुझे जहां तक याद आ रहा है गुरु है क्या, शायद अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, शायद वहां पे गुरु और लघु हो जाते हैं। Yes, सर विशद के जगह पे सर गुरु लग, सर विशद के जगह पे विशद सर सुश्रुत ने माना है विशद पीछे पीछे वहाँ पे गुरु लग हुआ था। यस सर। ये अष्टविध वीर याद रखिएगा और इसके बाद
जो यहाँ पे लिखा हुआ है आहारस सम्यक परिणतस्य यस तेजो भूतः सारः परम सूक्ष्मः सरसः इति उच्यते, है ना। आपको पता होगा जब आपने रस से रक्त, रक्त से मांस पढ़ा होगा, रसाद रक्तम ततो मांसान में दो ततो अस्थिच अस्थिना मज्जो ततो शुक्र शुक्राद गर्भ प्रजायते पढ़ा हुआ है। उसके पहले आपने देखा है कि कैसे आहार से रस का निर्माण होता है, केदारी कुल्या न्याय होता है, और कौन कौन से न्याय पढ़े थे आपने? शीर और दधि न्याय, इसमें कि आहार के द्वारा कैसे धातुओं का और कैसे उपधातुओं का निर्माण होता है, कैसे मल का निर्माण होता है, ये सब हम लोग वहां पे पढ़े हुए हैं। याद आ रहा है? याद आ रहा है? नहीं आ रहा? यस सर। तो इस श्लोक में, तीन नंबर श्लोक में जो जो हमने मार्क किया है उतना तो आप मार्क कर लीजिए पहले। मार्क कर लीजिएगा, बहुत से लोगों के पास पुस्तक ही नहीं होगी। yes, ये चैप्टर है यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ें, जो 14वां चैप्टर है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए रस और रक्त का वर्णन पढ़ेंगे, रस और रक्त के बारे में यहाँ पे हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ आपको प्राकृतिस्थ जो प्राकृतिक रक्त होता है उसका लक्षण क्या होता है, और जो दूषित रक्त होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रस और रक्त का वर्णन है, प्राकृतिस्थ और दूषित रक्त के बारे में यहाँ पे है। रक्त श्रावण योग के जो सात व्याधियां हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। रक्त श्रावण के अयोग्य कौन है वो हम लोग पढ़ेंगे, और रक्त श्रावण की जो जो विधियां हैं उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाएंगी। साथ ही साथ प्रच्छान के बारे में बताया जाएगा और रक्त संधान के बारे में, ठीक है ना। रक्त संधान मतलब क्या होता है, क्या आपके दिमाग में आता है रक्त संधान से? रोकना, अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो रोकना एक तरीके से। याद रखिए कि जो आहार परिणाम तेजोभूत सार परम सूक्ष्म एवं सौम्य है, और इस आहार का स्थान कहाँ है? हृदय। जाग रहे हो सब लोग? यस सर, जाग रहे। हृदय। आहार से किसका निर्माण हो रहा है? आहार रस का, रस का। और इस आहार रस का स्थान कहाँ है? हृदय में बता रहे हैं। और यह गतिशील रहता है, है ना, और रस से ही अन्य धातुओं की उत्पत्ति होती है। हम लोग देखे हैं यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए जो पंच भौतिक आहार है, द्विविध वीर और अष्टविध वीर वाला जो आहार है ना, ठीक तरह से प्रयुक्त पाचकाग्नि, जो हम लोग अग्नियां पढ़ते हैं धातुवाग्नि जठराग्नि भूताग्नि, अगर उनका प्रॉपरली पाचन होता है तो पूर्ण रूप से बचे हुए आहार का जो तेजो भूत सार भाग है उसे रस कहते हैं, और उसका स्थान कहाँ है? हृदय में है, है ना। तो तेजो भूत जो सार है आहार का उसको रस कह दिया, और उस रस का स्थान हृदय है। वह हृदय 24 धमनियों, है ना, ये जो धमनियां होती है ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम बांट सकते हैं ऊर्ध्व अधो और तिर्यक। तो ऊर्ध्व कितनी होती हैं? 10 10 10 10 तिर्यक 4 4 ये जो 24 धमनियां जो रस को सर्वत्र ले जा रही हैं, ये 24 प्रकार की हैं, और इनमें भी ऊर्ध्व 10 अधो 10 और तिर्यक 4 होती हैं, और ये संपूर्ण शरीर को रात दिन तृप्त करती हैं, है ना, बढ़ाती हैं, धारित, अब देखिए बढ़ाता है, धारित करता है और यापन करता है। तो इन तीन के लिए ऊपर हम लोग ओरिजिनल श्लोक देखेंगे। थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है,
यहाँ पे देखिए, तर्पयति वर्धयति धारयति यापयति, मिला ये। यह जो आहार रस है ये शरीर का तर्पण वर्धन धारण और यापन करता है, ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है। और एक शब्द और आया है कृतसन्न शरीरम, कृतसन्न का मतलब हमने आपको पहले बताया था, कृतसन्न एक स्तन्य के लिए आता है, वीर के लिए आता है। कृतसन्न का मतलब क्या होता है, सर्व शरीर में जो व्याप्त होता है, कृतसन्न देह मतलब सर्व शरीर में व्याप्त। तो इन 24 धमनियों के द्वारा ये संपूर्ण शरीर में जाता है और ये क्या करता है, शरीर का तर्पण वर्धन धारण और यापन करता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट होगा, हम बता देंगे, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा विमर्श वगैरह नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है, जहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा रोक देंगे। अभी इस चैप्टर में बहुत चीजें इम्पोर्टेंट है। एक भेल की लाइन है, ये पूछा जाता है हृदो रस निसरति तत् एव च सर्वतः, अगर इसका हमको हिंदी समझना हो तो यही मतलब निकलता है कि हृदय से जो रस निकलता है वह सर्वतः मतलब पूरे शरीर में व्याप्त तो होता है, ऐसा इसका एक अर्थ निकलता है। किसका है ये लिखा हुआ, भेल में मिलता है। अब यहाँ पे देखिए चौथा नंबर श्लोक पूछा भी गया है, इम्पोर्टेंट है। स खल्व आप्यो रसो यकृत क्लीहानो प्राप्य रागम उपैति च, रागम उपैति, मिला चार नंबर श्लोक। यस सर। अगर स खल्व आप्यो डैश करके दे देगा यकृत क्लीहानो, तो वहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक चार धातु में रस रक्त मांस मेद, तो यकृत प्लीहा को देखते ही हमारा ध्यान किधर जाता है, रक्त रक्त की तरफ जाता है ना। तो वह आहार के पाचन से बना हुआ जल तत्व की अधिकता रखने वाला या जल के समान जीवन दर्पण रूप से शांति देने वाला रस प्रथम यकृत प्लीहा में जाकर राग, राग को यहाँ पे हम उसका रंजन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रंजन, कलरेशन हो जाता है वहां, रंजन हो जाता है। तो रंजन होने के पश्चात क्या बनेगा, रक्त बनेगा, रक्त धातु सर, लाल रंग रक्त बनेगा। तो आपने देखा कि जो रस धातु है वो यकृत में, सिर्फ इतना याद रखिए, यकृत में राग को प्राप्त होकर रस से क्या बन रहा है, रक्त बन रहा है। रक्त के निर्माण का स्थान यकृत और प्लीहा है, कंफ्यूजन होता है तो रस याद रखिएगा, श्लोक में आया है और इसका रेफरेंस याद रखिएगा, तो सूत्र 14। आगे बढ़े, पांच नंबर श्लोक देखिएगा। रंजिता अस्तेजसा त्वापः शरीरस्थेन देहिना अव्यापन्नः प्रसन्नेन रक्तं हित अभिधीयते, देहधारियों के शरीर में रहने वाले प्रसन्न तेज रंजक पित्त, कह रहे हैं ना, तेज को क्या कह रहे हैं, रंजक पित्त से रंजित तथा अभ्यापन्न जो आहार प्रसाद आपके जलीय रस है वह रक्त कहा जाता है। यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि जो ऊपर बन रहा है रस से रंजन के पश्चात, रस के रंजन के पश्चात वो क्या बन रहा है, रक्त बन रहा है, और वह रक्त रंजिता तेजसा वो रंजन हो रहा है, वही रंजिता मतलब जिसका रंजन हुआ है, वह रंजित हुआ तेज स्वरूप, तेज स्वरूप जो रक्त है, मतलब जो तेज स्वरूप जो जलीय रस है वही रक्त कहलाता है, यही यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, और कोई खास बात नहीं है इस श्लोक में, रेफरेंस याद रखिएगा।
वाग्भट का एक ट्रिक है, आपने देखा होगा कि वाग्भट के अनुसार अष्टांग हृदय के अनुसार रज्जक पित्त का स्थान कहाँ होता है? रंजक पित्त का स्थान अष्टांग हृदय के अनुसार आपने पढ़ा होगा ना, पांच बात पांच पित्त पांच कफ फिर सबका स्थान आपको बताया का कहाँ होता है, रंजक का कहाँ होता है, आमाशय में होता है, आम रंजना के हृदय में, नहीं आम रंजना के, हाँ सही है, आम रंजना के हृदय में, ये मेरा ट्रिक है, आम से क्या हो गया आमाशय में, रंजना से रंजक हृदय से अष्टांग हृदय, तो आम रंजना के हृदय में, इससे मुझे पता रहता है कि रंजक पित्त का स्थान हृदय के अनुसार आमाशय है, पूछा जाता है। और यहाँ पे हमने लिखा है शारंगधर के अनुसार इस रंजक पित्त का स्थान क्या है, यकृत प्लीहा, शारंगधर के अनुसार रंजक पित्त का स्थान यकृत और प्लीहा है, आधे लोग को तो ऊपर से जा रहा हूं, ऊपर एक बात लिखी हुई है भाव प्रकाश के अनुसार स्त्रियों में शुक्र के स्थान पर आर्तो उत्पन्न होता है तथा अष्टम धातु आर्तो का है, इतना याद रखिएगा कि भाव प्रकाश के अनुसार आर्तो अष्टम धातु है, किसके अनुसार आर्तो अष्टम धातु है, भाव प्रकाश, प्रकाश याद रखिएगा, क्यों ऐसा कहा गया यहाँ पे, ऐसी क्या बात आ गई कि वो रेफरेंस हमको देना पड़ा, रस से ही स्त्रियों में रजह संज्ञक रक्त प्रवर्तित होता है, यानी कि रसादेव स्त्रिया रक्तम रजह संज्ञा प्रवर्तते, ठीक है ना, यह रज नाम का रक्त 12 वर्ष की आयु के पश्चात प्रकट होकर 50 वर्ष की आयु के आसपास नष्ट हो जाता, यही ऐसा चैप्टर है जहां पे सुश्रुत ने क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं जो पहली बार रजोदर्शन होता है, रजोदर्शन आयु ही बोलेंगे 12 वर्ष, और रजो निवृत्ति आयु क्या है आयुर्वेद के अनुसार 50 वर्ष 14 और आर्तो का निर्माण किससे हो रहा है, रस से हो रहा है, ध्यान रखिएगा जैसे रक्त का निर्माण किससे हुआ, रस से हुआ, कहाँ पे हुआ, यकृत प्लीहा में हुआ, अभी ऊपर पढ़ा आपने, yes. बाहर से रस का निर्माण हुआ, रस हृदय में गया, 24 धमनियों के द्वारा सर्वत्र शरीर में भेजा गया, ये हमने पहला पॉइंट पढ़ा, वो 24 धमनियां 10-10-4 होती हैं, फिर इसके बाद हम लोगों ने दूसरा पॉइंट पढ़ा कि रस जो है यकृत प्लीहा में इसका रंजन होता है और वही रक्त में परिणित हो जाता है, फिर हमने पढ़ा क्या कि जो आर्तव होता है उसका निर्माण भी किससे हो रहा है, रस से, रस से, और इस आर्तव का जो है रजो दर्शन आयु क्या है 12 वर्ष, और रजो निवृत्ति आयु लिख लीजिए, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो लिख लीजिए, रजो निवृत्ति आयु 50 वर्ष 50 शत, तो 12 को द्वादश ऊर्ध्वम बोला गया है, ओरिजिनल कंटेंट भी याद रखिएगा, पता चला कि वहां पे 12 नहीं है, द्वादश ऊर्ध्वम, द्वादश और क्या है द्वाविंशत ऊर्ध्वम, ऐसे कुछ करके लिखा हुआ तो कंफ्यूज हो जाएगा, तो द्वादश ऊर्ध्वम, द्वादश ऊर्ध्वम 12 वर्ष की आयु के पश्चात, सर हाँ कर्म दिया 50 शत, 50 शत मतलब 50 वर्ष की आयु के पास या उसके पहले भी कह सकते हैं, तद वर्षात द्वादश ऊर्ध्वम याद 50 शत छयम, फिलहाल आपको 12-50 याद रखना, आगे बढ़ते हैं, आर्तव शोणितम त्वाग्नेय, ऐसा आपने पढ़ा है कि आर्तव कैसा होता है, आग्नेय होता है, और शुक्र कैसा होता है,
वो यहाँ पे लिखा हुआ है सातवें नंबर श्लोक में आर्तव शोणितम स्वाग्नेय अग्निशोमित्वाद गर्भस्य। यद्यपि रस से ही रज बनता है किंतु वह अग्निगुण प्रधान होता है, रस की सौम्यता उसमें नहीं रहती। जो रस होता है वो सौम्य होता है, परंतु जो रक्त बना है ना वो अग्नेय हो जाता है, क्योंकि गर्भ अग्नि और सोम गुण प्रधान होता है। यहाँ पे कह रहे हैं जो गर्भ होता है वो कैसा होता है, अग्नि और सौम्य दोनों गुणों वाला होता है। क्यों ऐसा होता है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? ऐसा कुछ पढ़ते हैं ना लोग गर्भ की परिभाषा, वहाँ पे कुछ तो एक शुक्र हो गया सोनी, जब दोनों के संयोग से गर्भ बन रहा है तो जो गर्भ होता है वो अग्नि सौम्य होता है। अग्नि सौम्यत्वाद गर्भस्य, वही लिखा मैंने गोला बनाया तो लिखा है रस सौम्य होता है, शुक्र सौम्य होता है, आर्तव अग्नि है ना, तो ध्यान रखिए। नवे नंबर के श्लोक की हिंदी पढ़ने के बाद जो भी आउटपुट निकलता है उसको हमने वहां पे पहले पेन से लिख रखा है। विश्रता और आम गंध पृथ्वी में है, द्रवता द्रव में है, राग अग्नि स्पंदन जो है वायु में है, और लघुता आकाश में है। पढ़ते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है, देखिए। रक्त में विश्रता, विश्रता मतलब आम गंधता, एक गंध होती है रक्त में, आपने देखा रक्त में एक अजीब सी स्मेल आती है, और किसका है ये, पृथ्वी का गुण है। अभी द्रवता जल का गुण है, राग जो है वो तेज महाभूत अग्नि महाभूत का गुण है, स्पंदन वायु का गुण है, और लघुता आकाश का गुण। कुल मिला के यहाँ पे सूत्र कहना चाह रहे हैं कि जो रक्त है वो कैसा है, पंच भौतिक है, पंच महाभूत, ठीक है। तो जो रक्त है वो पंच भौतिक है, तो उसमें पांचों महाभूतों में कौन कौन से गुण आ रहे हैं वो जानते हैं। पृथ्वी में विश्व गंधिता होती है, ठीक है, जल में द्रवता गुण होता है, तेज में राग होता है, और वायु में स्पंदन होता है, आकाश में लघुता होती है। तो वही हमने वहां पे पांचों को एक साथ लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा रक्त होता है वो पंच भौतिक। अब दसवां श्लोक, प्रसाद रक्तम तथो मांसम मांसा मेधा प्रजायते, थोड़ा सा सूत्र का अलग है। हम जो याद किए हुए हैं, जो हमको जुबान पे रहता है, उनको चरक चिकित्सा 15 वाला याद रखता है। चरक चिकित्सा 15 यानी ग्रहणी चिकित्सा याद करिए। जब ग्रहणी चिकित्सा में वहां पे हम लोग अग्नि के बारे में पढ़ते हैं, याद आ रहा है, चरक में ग्रहणी चिकित्सा में ही धातुओं का निर्माण वहां पे बताया है। दो श्लोक ऊपर नीचे है, नीचे वाले में उपधातु में है और ऊपर वाले में धातु में है, तो वहां पे आया है ना, प्रसाद रक्तम तथो मांसम मांसान मेदो तथो अस्य अस्थिना मज्जो तथा शुक्र शुक्राद गर्भ प्रजायते, ठीक है ना। यहाँ पे गर्भ की बात में नहीं आई है, लेकिन जब हम लोग चरक वाला चिकित्सा 15 का देखते हैं वहां पे आया है। फिलहाल आपको रेफरेंस याद रखना पड़ेगा, प्रसाद रक्तम मतलब रस से रक्त, तथो मांसम उस रक्त से क्या बनेगा, मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, इसी को थोड़ा सा चरक में और आगे बढ़ा दिया, उसी शुक्र से गर्भ की ओज। यस सर, क्लियर हुआ, आगे बढ़ा जाए। अब आप देखिए कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो आपने अलग अलग जगह पे उसको टुकड़ों में पढ़ा है, सब एक जगह पे आपको मिल रहा है। यहीं पे हम लोगों ने क्षीर दधि न्याय के बारे में देखा, क्रम परिमाण यहाँ पे विमर्श में सब आया हुआ है, ये आपको पता है। तो कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा, क्षीर दधि न्याय का दूसरा नाम क्या है, क्रम परिमाण पक्ष लिखा हुआ है, क्रम परिमाण पक्ष लिखा हुआ है ना, मार्क कर लीजिए इसको। क्षीर दधि न्याय का दूसरा नाम क्या है, क्रम परिणाम पक्ष। इसके समर्थक कौन है, दृढ़ बल। क्षीर दधि न्याय का समर्थन किसने किया है, दृढ़ बल ने। लिख रहे हो कि नहीं, लिख रहे हैं, यस सर लिख रहे हैं। दूसरा जो सुश्रुत ने समर्थन किया है वो केदारी कुल्या न्याय का, सुश्रुत ने जो समर्थन किया है वो केदारी कुल्या न्याय और फले का पोत, दोनों फले का पोत और केदारी कुल्या न्याय,
सोचो और एक न्याय एक काल धातु पोषण पक्ष, एक काल धातु पोषण पक्ष किसका है ये? अरुण दत्त। एक काल धातु पोषण पक्ष अरुण दत्त। नोट्स आपके पास है, मार्क कर लीजिएगा बुक में जो जो मार्क किया हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अरुण दत्त ने सर्वांग सुंदरी टीका में एक चौथा पक्ष माना है जो एक काल धातु पोषण पक्ष कहलाता है। कौन सी टीका है? सर्वांग सुंदरी टीका। अगर हम लोग उपधातुओं की बात करते हैं तो रस का स्तन्य अर्थ और रक्त का कंडरा दशा और छठ त्वचा और मेद का स्नायु और संधि किसके अनुसार है? ये चरक के अनुसार है। रेफरेंस वही चरक चिकित्सा क्या 15 जो केदारी कुल्या न्याय है इससे गर्भ का पोषण सूत्र ने बताया है। ऊपर लिखा है ना केदारी कुल्या न्याय, गर्भ का पोषण आचार्य सूत्र ने बताया है केदारी कुल्या न्याय से, यानी कि जो गर्भ का पोषण जो प्लेसेंटा से होता है वहां पे केदारी कुल्या न्याय का प्रयोग किया है सूत्र ने। ठीक है बताएंगे। ये उसी चर चिकित्सा 15 की दूसरी लाइन है। पहला तो हम बार बार बोल रहे हैं, दूसरी लाइन यहाँ पे दी हुई है ना। रसाद स्तन्य तथा रक्तम असज कंडरा शिरा मांस। और इसको जो है या तो श्लोक याद कर लीजिए या तो जो हमने आपको ऐसे लिखा हुआ है उस तरीके से याद होगा। आपने बहुत बार पढ़ा है स्तन्य अर्थ कंडरा शिरा वसा सर्पोचा और स्नायु और संधि, सबको याद रहता है, फर्स्ट ईयर में रटाया जाता है। ये 12 नंबर श्लोक कुछ जाना पहचाना तो लग रहा है। रसजम पुरुषम विद्राद अस्त्रम विद्याद विद्याद रसम रक्षेत प्रयत्नतः, मतलब पुरुष को रस से ही उत्पन्न हुआ समझना चाहिए, इसलिए मध्यमान मनुष्य सावधान होकर अन्न पान और आचार का पालन करके किसकी रक्षा करे? रस की रक्षा करे। सर राज्य क्षमा वाले में भी आया है चरक में ऐसा ही श्लोक, थोड़ा सा डिफरेंट है वो डिफरेंट है। तो हमको कुल मिला के हमको रस की रक्षा करनी चाहिए और उस रस की रक्षा करने के लिए आगे देखिए क्या लिखा 13 नंबर श्लोक का। रस क्या है? गतो धातु से बना हुआ है। गत्य अर्थक रस धातु से रस शब्द बना है। रात्रेंद्रिय जो गतिशील हो उसे रस कहते हैं। अब रस को आयुर्वेद में कई चीजें रसनार्थ और रस द्रव्य मापचिकित्सा, फिर हम लोग रस को जो है वहां भी पढ़ते हैं, कहाँ रस शास्त्र में भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं। यहाँ पे रस क्या है? धातु के संदर्भ में है। तो हम लोगों ने देखा कि यही रस जो है गमन करता है 24 गमनियों से, तो भाई गमन करता है तो निश्चित ही क्या है उसमें? गत्यार्थता है। तो रस कैसा है? गत्यार्थक है, गतिशील है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है अहर हर गच्छति इति, कई बार पूछा गया है अहर हर गच्छति यतो रसः, किसके लिए है? आहार से किसका हो रहा है? आहार से ही बन रहा है ना। यस सर याद रखिएगा रेफरेंस ये रस के लिए है अहर हर गच्छति इतो रसः। ठीक है ये इंपॉर्टेंट है 13 नंबर श्लोक। तो यहाँ लिखा हुआ है यह रस 30-15 कला एक धातु में ठहरता है ना। तो याद रखिएगा ये 30-15 कला, तो 30-15 कला को लगभग 5 दिन माना गया है, मैंने नीचे एरो बना के लिखा है। ठीक है इस प्रकार एक महीने में रस पुरुषों में वीर तथा स्त्रियों में आर्तों में रूप में परिणित हो जाता है। वो अंडरस्टूड है कि रस से रक्त रक्त से मान करा इस रस से शुक्र बनने के समुच्चय में इस तंत्र तथा अन्य तंत्रों के अनुसार 18-0-90 कला समय। बहुत बार पूछा गया है कि रस से शुक्र बनने में
सुश्रुत के अनुसार कितना समय लगता है? एक महीना, एक मास, 180-90। याद करने के लिए वहां पे ऐसे कंफ्यूजन वाले न्यूमरिक रहते हैं, 180-90, 185-90 ऐसे करके रहता है ना कंफ्यूज करने के लिए। कला सब में लिखा रहेगा 180-90 कला तक का समय लगता है रस से शुक्र बनने में। यही आपको याद रखना है, 130-15 कला एक धातु में ठहरने का समय, और 180-90 कला क्या है पूरा निर्माण होने में रस से तक निर्माण समय। यहाँ लिखा हुआ है सुश्रुत ने रस से शुक्र का निर्माण एक माह में बताया है। भोजन का पाचन होकर आहार रस से धातु रस एक ही दिन में पैदा हो जाता है, किंतु फिर प्रत्येक धातु के लिए 5-5 दिन का समय लगता है। शरीर के भीतर के धातु निर्माण की विधि नेत्रों से दृश्य नहीं होती है, इस विषय में अनेक मतांतर है, है ना। तो कुछ डिफरेंट यह मत है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, है ना। इसके आगे की जो कहानी है 16वां श्लोक है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। इसमें सब दर्शन सब इम्पोर्टेंट है, 16वां श्लोक भी बहुत पूछा जाता है, उसको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अभी एक बात हम लोगों ने पढ़ी कि रस से शुक्र का निर्माण होने में कितना समय लग रहा है, 180-90। यहाँ पे कुछ ऐसा भी एक ऐसा भी शब्द यहाँ पे आएगा कि बाजीकरण जो औषधियां उसमें अपने प्रभाव से विरेचक औषधियों की तरह शुक्र का शीघ्र ही विरेचन कर देती हैं। कुछ ये भी अभी हम लोग पढ़ेंगे अन्यत्र की अगर हम रसायन बाजीकरण औषधियों का सेवन करते हैं तो ये टाइम पीरियड है थोड़ा सा ये कम हो जाता है। समझ में आई बात, कैटलिस्ट का काम करेगा इस तरीके से, जो समय है एक महीने का वो घट जाता है। बाकी ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धातु छह वृद्धि पढ़ा है चरक, यस सर। 22वां श्लोक को जाना पहचाना लग रहा है, इंद्र गोप प्रतिकाशम असंग क्या है ये पहली लाइन जाना पहचाना तो लग रहा है। चरक के अनुसार शुद्ध रक्त का लक्षण है वो, आप समझ सकते हैं कि यह अध्याय कितना महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है। फिर बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेक्चर मिस मत करिएगा क्योंकि थोड़ा सा ये चैप्टर समझने वाला है, ठीक है। बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।